छोटी माँ चाहिए। अरे बेटा छोटी माँ आ जाएगी, वो किसी काम से बाहर गई है। मैंने किनारी अंडे की सारी बातें सुन ली कि छोटी माँ को किसी ने किडनैप किया है। अरे वो झूठ बोल रहे राजा लिप्पी। नहीं मुझे मालूम है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी छोटी माँ का मुझे फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम अच्छे से खाना खा रही हो या नहीं, अगर नहीं खा रही हो तो आके पिटाई करेंगी। मिल गया सुकून, पड़ गई कलेजे में ठंडक। बच्ची को सच्चाई बताने की क्या जरूरत थी हा? अब उसे कौन और कैसे समझाएगा। किन्नरी मैं आज तक समझती थी तू सिर्फ बेवकूफ है। तू सिर्फ बेवकूफ नहीं बेशरम और नालायक भी है। मैंने जैसे तैसे बच्ची को समझा फुसला कर रखा था हाँ। तूने उसे सच्ची बात बता दी, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया हाँ। बहुत याद आ रही है छोटी माँ की। मैं जानती हूँ इन सब ने तुमसे छोटी माँ के बारे में बहुत झूठ बोला है, लेकिन मैं तुमसे अब झूठ नहीं बोलूंगी। एक्चुअली तुम्हारी छोटी माँ को किसी ने किडनैप किया है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, कल वो वापस आने वाली है। हाँ बेटा मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा अगर कल वो वापस नहीं आई ना तो जो तुम्हें सजा देनी होगी वो मुझे देना, ठीक है? पक्का छोटी माँ वापस आ जाएगी? पक्का। अब वैष्णो नाश्ता करेगी? गुड गर्ल, ये लो। ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं भी यही सोच रही थी, परी अचानक से ये इतनी कैसे बदल गई। मैंने आज तक तुम्हें बच्चों के साथ इतनी प्यार से बात करते हुए कभी नहीं देखा, और आज ये, और तूने उसे झूठ क्यों बोला? अंकिता कल आने वाली है हुँ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला आज ही, अंकिता कल आने वाली है। मेरी नरेन से बात हुई थी, इस बार उसने एक ऐसा प्लान बनाया है जो फेल नहीं होगा, तो कल अंकिता आ जाएगी, वो भी विसर्जन से पहले। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली परी। I'm sure तुम्हें उस वैष्णवी के साथ कोई हमदर्दी वगैरह नहीं है, ये सब तुमने अपनी किसी जरूरत की वजह से किया है, राइट? वाओ मॉम, आप मुझे कितनी अच्छी तरह जानती हैं। You're absolutely right. इस सब के पीछे भी मेरा एक रीजन है। अब अंकिता का वापस आना तो तय है, लेकिन उससे पहले घर वालों की गुड बुक्स में मैं आ जाऊं, इससे मुझे ही फायदा हो, है ना? तो बस